हाय स्टूडेंट्स, आज यूट्यूब क्लास को मुझे डीके सार स्वागत जनाऊँ पे। पूर्व भिडियो आम उपाद्य छ पर्यंत करते समांतर सरल लेखार छेदक से उपाद्य गुड़िकर छ पर्यंत आम करते। आज आम उपाद्य सेभेन रु आरंभ करवा। आस पे क्वेश्चन उपाद्य सात टाक आम सामान्य कथन लिखा और सामान्य कथन रु आम जाणी कौन आमको दे कौन आमको बाहर करा कौन प्रमाण करतान उपाद्य सातर सामान्य कथन प्रथम लिखा। सामान्य कथन अच्छी दुईटी समांतर सरल लेखा को दुईटी समांतर सरल रेखा को एक छेदक छेद कले एक छेदक छेद कले छेदकर एक पार्श्वस्थ छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण द्वयर परिमाण परिमाण समष्टि शहे अशी डिग्री। ताले ये देख पे ये अच्छे आमर सामान्य कथन उपपाद्य सातर सामान्य कथन जोटा कि आम से देखा कौन आमको दत्त अच्छी कौन आमको बाहर करियार दे। तो प्रथम आम देखा कौन दत्त अच्छी दुईटी समांतर सरल लेखा को एक छेदक छेद कले छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण द्वयर परिमाण समष्टि 180 डिग्री। ताले देख ये हूँ दत्त दुईटी समांतर सरल लेखा को एक छेदक छेद कले ये हूँ दत्त प्रामाण्य होची से छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण द्वयर परिमाण समष्टि 180 डिग्री। देख मु सीधा भाव में जो गारटी पकईची सी हूँ दत्त जोटा को मुझे कर्व आकार जो गारटा पकईची कम कम कर जो गारटा पकईची ताको आम कह प्रामाण्य। ताले आमको आमको दत्त दे दुईटी समांतर सरल लेखा को एक छेदक छेद कले ये है दत्त छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण परस्पर परिपूरक ये हूँ प्रामाण्य। ताले आस पे गोटे चित्र करदे मु बही सहित चित्रटे को मैच करदे जहाँफल कि तुम्हें जिते प्राक्टिस करते तुम बुझापाई सहज हम। तो ये हूँ दुईटी समांतर सरल लेखा एल वन आउ एल टू दुईटी समांतर सरल लेखा एवं एल थ्री यार एक छेदक एल थ्री एक छेदक एल वन और एल टू को यथाक्रमे पी ओ क्यू बिंदु छेद कर पी ओ क्यू बिंदु छेद कर कोण गुड़िक नहीं जा कोण दुई कोण तीन कोण चार कोण एक कोणटा को पाँच कोण नि। तो ये देला आमर चित्रटी ताले आम कौन दे देख पे आमर चित्र अनुसार दत्त कौन दे देखा स्टेटमेंट एवं चित्र ए दुटा को मिलकर आम दत्तटी को लिखा एवं प्रामाण्य लिखा दुईटी समांतर सरल लेखा एक छेदक छेद कले ताले एठा लिखा एठार एल वन और एल टू दुईटी समांतर सरल लेखा बा एल वन समांतर एल टू ये दत्त एल वन समांतर एल टू
ये दत्त अच्छे एवं एल थ्री छेदक एल वन ओ एल टू को एल वन ओ एल टू को यथाक्रमे पीओ क्यू बिंदु रे छेद करे छेद करे ताले एबे कहिया कौन ना आमे कहिया एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण परिमाण समष्टि 180 डिग्री ताले छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण क्यों क्यों दुईटी आम से चिन्हित देवा ताले एठे कहिया आमे एक कोण एवं दुई कोण एठारे एक कोण और दुई कोण एवं तीन कोण एवं चारि कोण तीन कोण और चारि कोण परस्पर अच्छा छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण दुई जोड़ा छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण ताले आमे एठी चिन्हे देले केउ कोण दुईटी केउ कोण जोड़ा दुईटी छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण ताले आमे कहले एक कोण ओ दुई कोण ए हला छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण एवं तीन कोण ओ चारि कोण एक छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण एवं चारि कोणर प्रतिप कोण को आमे पांच कोण भाव नि चारिकोणर प्रतिप कोण को पांच कोण भाव नि ताले इठी आमे कौन कले आमको दत्त देछि एल वन आउ एल टू दुईटाक समांतर सरलरेखा एवं एल थ्री छेदक एल वन ओ एल टू को यथाक्रमे पी ओ क्यू बिंदु रे छेद करछि ताले ए जो छेद करबा द्वारा आमे कौन पाइले ना एक कोण आउ दुई कोण ए दुईटी छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण सेई भले तीन कोण एवं चारि कोण ए दुईटी मध्य छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण ताले एठी कौन करचंदी ना चारि कोणर प्रतिप कोण को पांच कोण भाव नाम दिया जाइछि नाम देइछि आमे ए जो एक दुई तीन चारि कोण दबार उद्देश्य होची कोणटी को आमे सहजरे एक्सप्रेस कर परिबा प्रेजेंट कर परिबा जाफल लगे आमको जो ना दबा पड़े ए बी सी कोण पी क्यू आर कोण ए सबु ना एतटा दबा पड़बनी एवं ता सहित एटा बुझिया पई सहज हो ताल ते आस देखिया पे ताले प्रमाण कौन करवा ये हला दत्त प्रामाण्य हला छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण द्वयर परिमाण समष्टि 180 डिग्री ता अर्थ होची मेजर वन प्लस मेजर टू कोण प्रमाण प्रामाण्य मेजरमेंट ऑफ एंगल वन प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री ये हला गोटे दुईटी जोड़ा अच्छी जेहेतु आ गोटे आम कह मेजरमेंट ऑफ एंगल थ्री मेजरमेंट ऑफ एंगल थ्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री ताले ये दुईटी प्रामाण्य अच्छी आम ए दुईटी प्रामाण्य मध्य गोटे जोड़ा को आम प्रमाण करदे परस्पर गोटी को प्रमाण करदे सेहीपरि आरटी को प्रमाण करा जाई पारे से कथा आमे मेंशन करिबा बा जणे देबा ताले ये हला प्रामाण्य आमे छेदकर एक पार्श्वस्थ कोण एक कोण प्लस दुई कोण मेजरमेंट 180 डिग्री
एवं तीन कोण मेजरमेंट प्लस चार कोण मेजरमेंट इक्वल टू 180 डिग्री ए दुईटी कथा आम प्रमाण करिया। तबे आस पाने आम आग प्रथम फोकस करवा एक कोण दुई कोण ये दुईटा कोण मिसिकरी बा परिमाण मिसिकरी 180 डिग्री आपरे आम फोकस करवा एटा को प्रथम प्रमाण करिया। एटा को प्रमाण कर सारा पर आम परवर्ती जोटा प्रमाण करिवार थिला ताको आम कहिबा से अनुसार ताले एबे आसीबा प्रमाण को एठी तो चित्र किसी अंकन दरकार नहीं तेणु प्रमाण को आसीबा। ताले देख पाने प्रमाण कौन है ना आम जानते पाँच कोण प्लस दुई कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री पाँच कोण मेजरमेंट प्लस दुई कोण मेजरमेंट परस्पर 180 डिग्री कहीं से सन्निहित परिपूरक कोण ताले जेहेतु एल वन समांतर एल टू एवं एल थ्री छेदक ताले आमे कही परिया पाँच कोण परिमाण इज इक्वल टू एक कोण परिमाण अतः पाँच कोण परिमाण इज इक्वल टू एक कोण परिमाण तो मेजरमेंट ऑफ फाइव इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ वन ये कौन पाई ना ये हला अनुरूप कोण आम जानते दुईट अनुरूप कोण परिमाण समान तेणु पाँच कोण परिमाण जहाँ एक कोण परिमाण से पुणी आम कहीपर पाँच कोण एवं दुई कोण एम दुईट सन्निहित परिपूरक कोण तेना लिखिपर मेजरमेंट ऑफ फाइव प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री ये कहीं ना सन्निहित परिपूरक कोण ताले सन्निहित परिपूरक कोण हेतु पाँच कोण एवं दुई कोण मिसिक हेबो 180 डिग्री मेजरमेंट ऑफ फाइव एंगल फाइव प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा देख पाने जो मेजरमेंट ऑफ फाइव जगार आम मेजरमेंट वन लिखिपर आम पूर्वर जो कही ये मेजरमेंट ऑफ फाइव इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ वन तेणु आम जब मेजरमेंट ऑफ फाइव जगार आम लिखिदेपर मेजरमेंट वन प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री ताल जेहेतु पाँच कोण इज इक्वल टू एक कोण मेजरमेंट ऑफ फाइव एंगल फाइव इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल वन तेणु मेजरमेंट ऑफ एंगल फाइव जगार मेजरमेंट ऑफ एंगल वन लिखिदेले तेणु मेजरमेंट ऑफ वन प्लस मेजरमेंट टू इज इक्वल टू 180 डिग्री ये है प्रथम प्रमाण हो गला। देख पाने आम कही जेहेतु यहाँ कौन लिखिदेपर जेहेतु मेजरमेंट ऑफ फाइव इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ वन आम आगु से कथा ऑलरेडी कही सारी तेणु पाँच कोण बदल एक कोण को आम नहीं गले ताले सही परि प्रमाण करा जाई पारे जे सही परि प्रमाण करा जाई पारे पारे जे कौ कोण ना तीन कोण मेजरमेंट ऑफ थ्री प्लस मेजरमेंट ऑफ फोर एंगल फोर इक्वल टू 180 डिग्री प्रमाणित बा प्रूफ्ड लिखा। देख पाने ये प्रमाणित बा प्रूफ्ड लिखा ताल देख आउ थे मु तुमको टी जस्ट रिकॉल कर दोची ताले कामे कौन कले ताल देख एठी आम कही दत्तक एल वन आउ एल टू दुईटी समांतर सरल लेखा एल थ्री छेदक एल वन और एल टू को यथाक्रमे पी और क्यू बिंदु छेद करोण गुड़िक सृष्टि से कोण को आम देखते वन कोण टू कोण ये दुईट हूँ सन्निहित एक पार्श्वस्त छेदकर एक पार्श्वस्त अंतरस्थ कोण एवं तीन कोण एवं चार कोण ये मध्य गोटे छेदकर एक पार्श्वस्त अंतरस्थ कोण एवं आम ये कौन नहीं चार कोण प्रतिप कोण को पाँच कोण भाव में नामित कर खाली नामकरण कर कहीं आमको आगर काम अच्छे से आम कही सहित आम कह कौन ना प्रमाण प्रामाण्य करवा ना दुई कोण मेजरमेंट प्लस एक कोण मेजरमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री से भाई तीन कोण मेजरमेंट प्लस चार कोण मेजरमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री ये हूँ प्रामाण्य प्रमाण आम कौन कले
ना पाँच कोणर परिमाण एक कोणर परिमाण सहित सामान अनुरूप कोण हेतु पाँच कोणर परिमाण प्लस दुई कोणर परिमाण इज इक्वल टू 180 डिग्री तेणु पाँच कोण बदल जदि आम वन कोण लिखिद अतए एक कोणर परिमाण प्लस टू कोणर परिमाण वन कोण परिमाण प्लस टू कोणर परिमाण इज इक्वल टू 180 डिग्री ताल से ही प्रमाण करें तीन कोणर परिमाण चार कोणर परिमाण 180 डिग्री तो ये है आम प्रामाण्य जोटा थिला प्रमाण कले तो ये हूँ प्रमाणित तो ये है थियोरम सेवेन देन आसवा में थियोरम एट को आसवा दुईटी समांतर सरलेखा को एक छेदक छेद कले सामान्य कथनटा लिखिद एक समतल दुईटी सरल रेखा को ये समांतर आम प्रमाण करार अच्छे से आम आगे चेंज करवा स्टेटमेंटा को तो भल भाव यू बुझी जाओ बोले प्रैक्टिस चित्र करके बारंबार टिके प्रैक्टिस कर देले एवं लेखिले तुमको सहज लगे से तुम आराम करदे पार ताल से कहला एक समतल दुईटी सरल रेखा को ताल आम स्टेटमेंटा को लिखिद एक समतल उपाध्याय आठ एक समतल देख पे लिखला बेल टे बतईद कौन अच्छे एक समतल दुईटी सरल रेखा को एक समतल दुईटी सरल रेखा को एक छेदक दुईटी बिंदु छेद कले एक छेदक दुईटी बिंदु रे छेद कले देख ये गोटे कमा अच्छी एक समतल दुईटी सरल रेखा को एक छेदक दुईटी बिंदु रे छेद कले जदि छेदकर एक पार्श्वस्थ जदि छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण अंतस्थ कोण द्वयर परिमाण कोण द्वयर परिमाणर समष्टि परिमाण समष्टि 180 डिग्री हुए 180 डिग्री हुए ये भी आसीगला दत्तरे तेबे सरल रेखा द्वय समांतर तेबे सरल रेखा द्वय समांतर देख पे ये आम चित्र करदे बही सहित तो मैच करके मुझे चित्रटा करदे जहाँफल कि तुम्हें जो बहीटी को रेफर कर सेतबाला तुम्हें असुविधा हम नहीं तुम्हें कन्फ्यूज हम नहीं से आम बही सहित तो मैच करके चित्रटी करदेटा भल सब से प्राक्टिस करवाटा भल तो ये एल वन सरलेखा ये एल टू सरलेखा ये दुईटी समांतर दुईटी सरलेखा कही एल ये है एल थ्री सरलेखा दुईट सरलेखा को पीओ क्यू बिंदु छेद करुच्ची पीओ क्यू बिंदु छेद करोणटा को कहले आम एक कोण यही कोणटा को कहले दुई कोण एवं यही कोणटा को कहले तीन कोण तो बर्तमान आम देखा पे मैंने आमर एटी कौन दत्त थिला आउ कौन प्रमाण करियार अच्छी से दुईट की आम टे भल भाव फोकस करवा तो से जाणीगले आमको सहज हम प्रमाण करने आम कौन दे कौन प्रमाण कर देख पे एक समतल एक समतल
ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଦତ୍ତ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି, ଦତ୍ତର ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ଅଛି, ଛେଦ କଲେ। ଯଦି ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ଇଏ ବି ଦତ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରମାଣ କର ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରିଦେବା କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ସହଜ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଥରେ ତ ମୁଁ ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି, ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ, ଇଏ ବି ଦତ୍ତ ଅଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି କ'ଣ, ଯଦି ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଇଏ ବି ଦତ୍ତ ଅଛି, ତେବେ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ଇଏ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଉପରେ ଯାହା ରହିଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦତ୍ତ। ତ ଦତ୍ତରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କମା ଅଛି ମାର୍କର। ଏକ ସମତଳ ତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଛେଦ କଲେ, ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ, ଇଏ ହେଲା ଦତ୍ତ। ଯଦି ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କୋଣ ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି, ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର। ତ ବହୁତ ପିଲା ଏଇ କେସ୍ରେ ଭୁଲରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଦେବେ L1 ଓ L2 ଦୁଇଟି ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଭଳି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନରେ ଫୋକସ୍ କର, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲା ଏଇ ଭୁଲଟା କରିବସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦତ୍ତଟିକୁ ଲେଖିଦେବା। ସୋ ଦତ୍ତରେ କ'ଣ କହିଲା, L1 ଓ L2 ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା, L1 ଓ L2 ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ତାହେଲେ L3 ଏହାର ଛେଦକ, L3 ଏହାର ଛେଦକ, L1 ଓ L2କୁ ଯଥାକ୍ରମେ L1 ଓ L2କୁ ଯଥାକ୍ରମେ P ଓ Q ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିଲେ L1 ଆଉ L2 ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା। ଦେଖ ଭୁଲରେ ପିଲାମାନେ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଲେଖିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମାନ୍ତର ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। L1 L2 ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଏବଂ L3 ଛେଦକ L1 ଓ L2କୁ ଯଥାକ୍ରମେ P ଓ Q ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଦତ୍ତ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ। ତାପରେ କହିଲା ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ Angle 1 + ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ Angle 2 = 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି ଦତ୍ତ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ କହିଦେଇଛି ଯଦି ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ଆମେ କହିଦେବା ଯେ ଏକ କୋଣର ପରିମାଣ + 2 କୋଣର ପରିମାଣ = 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି ଦତ୍ତ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରମାଣ କରିବା L1 ସମାନ୍ତର L2। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହେଲା L1 ସମାନ୍ତର L2। ଦେଖ ଇଏ ପ୍ରମାଣ କରିବା L1 ସମାନ୍ତର L2। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ସେଇ କଥାଟା ଲେଖିବା, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦତ୍ତରେ ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାର୍କ ସେଠି ଆମେ ହରେଇ ବସିବା, ଆଦୌ ମାର୍କ ପାଇବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୂଳରୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏନୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରମାଣ କରିବା L1 ଆଉ L2 ସମାନ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ L1 ଆଉ L2 କେତେବେଳେ ସମାନ୍ତର ହେବ,
कोई कंडीशन रे बा केउ शर्त रे आमे कहि पारिया जे एल वन आउ एल टू परस्पर समांतर हो आमे पूर्वरु समांतर स्वीकार्य पढ़ी ताले समांतर स्वीकार्य रे कहिछि जदि गोटे दुईटी सरलरेखा को गोटे छेदक छेदक रे ताले जदि अनुरूप कोण परस्पर समान हे आंती परस्पर अनुरूप कोण द्वयर परिमाण समान हे जाए ताले आमे कहबा एल1 समांतर एल2 ताले देखो एठी अनुरूप कोण के ना अनुरूप कोण हला 3 कोण आउ 1 कोण 3 कोण एवं 1 कोण ए दुईटी होची अनुरूप कोण तेणु जदि आम तीन कोण को एक कोण सहित समान बोली प्रमाण करदे पारिबा ताले आमर पाठ सरीगला आम कहीपर जे दुटा जेहेतु अनुरूप कोण एवं परस्पर समान तेणु आम कह एल वन समांतर एल टू तेणु आम पाखे काम होची वर्तमान कोण ना एक कोणटा को तीन कोण सहित समान एक कथाटा आमको देखा पड़ो जहाद्वारा कि आम एक प्रमाण करदे पारिबा तो बर्तमान आसवा प्रमाण को बर्तमान आसा प्रमाण देख पे प्रमाण करिया पूर्व आम टे आग भाविद केमी प्रमाण करवा तार आम लाइन अफ आक्शनटा कौन हवा दरकार देख पे आम कहीपर जेहेतु दुई कोण आन कोण ये दुईटी कोण सन्निहित परिपूरक कोण सन्निहित परिपूरक कोण तो आम कहीपर दुई कोण मेजरमेंट प्लस तीन कोण मेजरमेंट इक्वल टू 180 डिग्री मन आउ कथा आउ थर कहि जेते जेहेतु दुई कोण एवं तीन कोण परस्पर सन्निहित परिपूरक कोण आम लिखिपर दुई कोण मेजरमेंट प्लस तीन कोण मेजरमेंट इक्वल टू 180 डिग्री एवं से भाई कहीपर दुई कोण मेजरमेंट प्लस एक कोण मेजरमेंट इक्वल टू 180 डिग्री दत्त अच्छी दुई कोण आ एक कोण मिसीगला 180 डिग्री ताले दुई कोण प्लस एक कोण 180 डिग्री तीन कोण एवं दुई कोण 180 डिग्री उभय को आम जदि समान करदे ताले दुई कोण प्लस तीन कोण जिकल दुई कोण प्लस एक कोण ताले उभय पटर दुई कोण बाद देदेले आम पाया तीन कोण परिमाण एक कोण परिमाण सह समान तो ये होचे आमर काम एई बाटरे आम कामटी करिबा तो आमको सहज हो तामे लेखिबा बर्तमान तीन कोण मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 ये कोण पाए ना ये होचे सन्निहित परिपूरक कोण सन्निहित परिपूरक कोण परिपूरक कोण ताले ए दुईटी जेहेतु सन्निहित परिपूरक कोण दुईटी सन्निहित परिपूरक कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री आम जानते तो से अनुसार लिखिदे पार तीन कोण सन्निहित परिपूरक कोणर परिमाण समष्टि तीन कोण सॉरी तीन कोण प्लस दुई कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री कहीं ना सन्निहित परिपूरक कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री तो से पॉइंट टी लिखिदे भी भल हम दुई दुईटी सन्निहित परिपूरक कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री अर्थात आम लिखिदे चलो सन्निहित परिपूरक कोण तो तीन कोण आ दुई कोण परिमाण होगा 180 डिग्री किंतु दत्त थिला कोण ना दुई कोण प्लस एक कोण दुई कोण मेजरमेंट ऑफ 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ 1 इक्वल टू 180 डिग्री ये थिला दत्त ये दत्त थिला आमे दत्त लिखिदेले बर्तमान देख पे आम दुईटी कथा पाइले दुईटी इक्वेशन पाइले तीन कोण प्लस दुई कोण ये 180 डिग्री आपको आम कहीपर एक कोण प्लस दुई कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री एक कोण आउ दुई कोण है 180 डिग्री ताले एक कथा आम कहीपर ताले देख आम दुईटी कथा पाइले दत्तर लिखिं एक कोण प्लस दुई कोण है 180 डिग्री एवं एटि कहले तीन कोण एवं दुई कोण ये हूँ 180 डिग्री तेणु ये दुईटी कंडीशन को आम नहीं लिखिपर अतएव मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 देख एटा केमिथि हला पिले माने आमे प्रथम कहिले तीन कोण परिमाण प्लस दुई कोण परिमाण हला मिसिकी 180 डिग्री एवं पुणी कहिले एक कोण परिमाण प्लस दुई कोण परिमाण 180 डिग्री ताले ए उभयर इक्वेशन उभय समीकरण डाहाण पार्श्वटी 180 डिग्री समान अछि तेणु बाम पार्श्व दुई को आम समान करदेबा तेणु तीन कोण मेजरमेंट प्लस दुई कोण मेजरमेंट इक्वल टू एक कोण मेजरमेंट प्लस टू कोण मेजरमेंट ताले एठी देखो उभय पार्श्वर आम जदि टू कोण मेजरमेंट को बाद दबा
एटा को मार्कर टू कोणर मेजरमेंट आम उभय पार्श्वर अच्छी जदि आम उभय पार्श्वर टू कोणर मेजरमेंट को बाद देवा तेल आम पाइबा लिखा अते मेजरमेंट ऑफ आंगल थ्री इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आंगल वन कौन कले ना उभय पार्श्वर मेजरमेंट ऑफ आंगल टू को बाद देले मेजरमेंट ऑफ आंगल टू को बाद देले उभय पार्श्वर आम दुईटी कोण को बाद देदेले दुई जो मेजरमेंट ऑफ आंगल टू अच्छी उभय पार्श्वर आपको आम बाद देदेले से आम कहीपर अते मेजरमेंट ऑफ आंगल थ्री इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आंगल वन तेन तीन कोणटा वन कोण सहित सामान जोटा कि आम प्रमाण कर दरकार थी आम पूर्वर कही किंतु ए दुईटी कोण किंतु यही दुईटी कोण परस्पर अनुरूप कोण हेतु ताले आम कही कौन ना जदि दुईटी अनुरूप कोण समान हो देख ए दुईटी परस्पर अनुरूप कोण हैला एवं एक कोण एवं तीन कोण परस्पर अनुरूप कोण हैला एवं एक कोणटा तीन कोण सहित समान हैला तेणु अनुरूप कोण दुटा समान हेतु ताले आम कहीपर अतए एल वन समांतर एल टू ये प्रमाणित बा प्रूफ्ड आम लिखिपर प्रमाणित बा प्रूफ्ड आम लिखिपर तो ये है आमर प्रमाण तो टिके भल भाव धैर्य सह देख पाने आम कौन प्रमाण कले ताले देख आउ थे मुझे तुमको रिकल कराइद तो आम कौन कले आम कौन प्रमाण कले कौन दत्त आउ टे मु रिकल कराइद ताले देख पाने एक समतलत दुईट सरलरेखा एक छेदक छेद करके जदि एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण 100 डिग्री ताले आम कह एक समतल एल वन आल टू दुईट सरलरेखा एल थ्री छेदक एल वन आल टू को यथाक्रमे पी और क्यू बिंदु छेद करें एक कोण एवं दुई कोण परिमाण समष्टि 180 डिग्री ये मध्यची छेदकर एक पार्श्वस्थ अंतरस्थ कोण परस्पर परिपूरक एटी तीन कोण यही कोणटी को आम तीन कोण भाव नामित करदे तो बर्तमान आम प्रमाण करने को हम जो कौन प्रामाण्य एल वन समांतर एल टू तेणु प्रमाण कर प्रमाण कौन कले ना तीन कोण एवं दुई कोण एम सन्निहित परिपूरक कोण तेणु तीन कोण प्लस दुई कोण मेजरमेंट तीन कोण मेजरमेंट प्लस टू कोण मेजरमेंट इक्वल टू 180 डिग्री किंतु आमको दत्त अच्छी टू कोण मेजरमेंट प्लस वन कोण मेजरमेंट बा वन कोण मेजरमेंट प्लस टू कोण मेजरमेंट है 180 डिग्री ताले आम दुईटा को नहीं कहीपर जे तीन कोण मेजरमेंट प्लस दुई कोण मेजरमेंट इज इक्वल टू एक कोण मेजरमेंट प्लस टू कोण मेजरमेंट उभय पार्श्वर टू कोण मेजरमेंट को बाद देले आम पाइबा तीन कोण मेजरमेंट इज इक्वल टू वन कोण मेजरमेंट तो तीन कोण परिमाण इज इक्वल टू एक कोण परिमाण जेहेतु ये दुईट परस्पर अनुरूप कोण अनुरूप कोण ए दुईटी अनुरूप कोण समान हेतु एल वन समांतर एल टू तो ये है प्रमाण तो भल भाव एटा टे प्राक्ट कर पाने ये थीअरम गुड़ी जदि आम चित्र करके बारंबार प्राक्ट करदे एवं मझे मझे टे लिखिदे रेगुला इंटरवाल लिखिदे ताल ये थीअरम गुड़ी आम सठिक भाव करें फुल मार्क आनीपर तो मन रख पाने रोटेसन सब थीअरम कर मुझे गोटे एग्जांपल कह मन का आज थीअरम वन कले कल की टू कले कल की वन को प्राक्टिस करवा टू को प्राक्टिस कर लिखा तापर थ्री को प्राक्टिस कर लिखा वन टू को टे चित्र माध्यम प्राक्टिस करवा यह जदि रोटेसन तुम रोटेसन पढ़ी चलो प्राक्टिस कर चलो ताल देख गोटे समय आसो जोटा कि अध घंटा भितर सब थीअरम को तुम प्राक्टिस माध्यम करदे पार एवं केवल तुम सामान्य कथनटा को लिखि सारापर चित्रटा करदे चित्र को देख तुम गाइज बिना घोषारे बिना मन रखिकी
तुम एगुड़ाक कहींपर कहीं तुम भल भाव जिनसटा जदि बुझी जाइ थो एक कथाटा बहुत बहुत धन्यवाद पे मोर वीडियो गुड़ को देखुवर वीडियो गुड़ को लाइक और शेयर करने को आदम भूल ना और जो मैंने मोर चैनल टी सब्सक्राइब करना शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब करनब जहाद्वारा कि मोर आसंता वीडियो तुम पाखे पहुँचव तार नोटिफिकेशन तुम पाइब तुम्हें व्यवहार कर तुम कोर्स को आगू नहीं पार मन रख पे भल भाव प्राक्टिस करके आम चेष्टा करा जमी मैथमेटिक्स 100 रु 100 आनवा जहाँफल कि आमर मार्क परसेंटेज बढ़ मैथमेटिक्स तुम सब कथा जान मोट कथा है मैथमेटिक्स 100 रखाटा जिते इम्पोर्टाट नुहे बेसी इम्पोर्टाट हूँ कौन ना मत मैथमेटिक्स सबू जिनसा जाणी दरकार जदि सब जिन जाणी तेल मार्क अटोमेटिक आम पचर आसवे मार्क पचरे आम गोड़ा दरकार नहीं बहुत बहुत धन्यवाद पे आसंता क्लास रे आउ किसी नूतन तथ्य नूतन प्रश्न समाधान नहीं तुम सामना को आसबी सेपर रोची बाय बाय।